आप सबको जो है मैं हूँ सलमा, हमारे इस चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, हम लोग भी ठीक है। तो अभी कुछ कुछ सोया हुआ है और मैं थोड़ा सा अपना काम कर लूँगी सोच रही हूँ। जैसे वो सो रहा है, अपना काम मतलब क्या, बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है ना, दो दिन हो गया, तो इसके वजह से मैं अपना बाल भी साफ नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सारे गांठे पड़ गया है बाल में। और दो तीन दिन हो गया मैं बाल को कंघी भी नहीं की हूँ, तो बाल को आज मुझे सुलझाना है, देखते हैं सुलझा पाती हूँ कि नहीं। ये देखिए कैसे गांठ पड़ गया है बाल में, बाल से कैसे गांठ निकालते हैं अगर किसी को पता है तो, कोई आसान सा उपाय मुझे कमेंट करके बता देना। ये बड़ी दांत वाले कंघी मैंने लिया है, इससे मैं कंघी करूंगी। देखते हैं, बाप रे तो बहुत जोर से गांठ पड़ गए हैं। ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा तेल ले लेती हूँ, नारियल का तेल लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। इसे थोड़े थोड़े बाल लेकर थोड़ा थोड़ा सा लगा रही हूँ, उसके बाद कंघी करूँगी। मुझे लगता है कि सारे बाल आज मेरे गिर जाएंगे, सर में एक भी बाल नहीं बचेगा, मैं गंजी हो जाऊंगी ऐसा लग रहा है। आप लोगों ने देखा है कि नहीं, पूछू के सर पे भी ज़्यादा बाल नहीं है क्या, सारे बच्चे कैसे होते हैं या फिर हम हमारे बेबी का ही ऐसे है? आपने देखा है कि नहीं, एक दिन आपको मैं दिखाऊंगी, मतलब ऊपर में उसका एक ही बाल नहीं है, सर के पूरा साइड साइड में तो है लेकिन सर के ऊपर में बाल ही नहीं है। मैं भी शायद वैसे ही हो जाऊंगी उसके तरफ। ये एक साइड का बाल बहुत मुश्किल से सुलझाया है, अभी शायद कुछ को उठ रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब क्या हुआ बाबा, मामा काम कर रहे थे अपने काम, बाल कंघी करने मिले तेरे मामा को, ओ पट्टी चल दिया है, पट्टी किया है इसीलिए बुला रहे हो। मुझे भी कर लिया है, पहले मैं उसको साफ कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपने बाल सुलझाऊंगी। नहीं लग तो दोस्तों, हमारा रूम बहुत गंदा हो गया है, थोड़ा साफ कर लेते हैं, बहुत गंदा हो गया, दो तीन दिन हुआ साफ नहीं किया था ना अच्छी तरह से, तो बाहर में काम करने में व्यस्त रहते हैं और ये तो कुछ कर भी नहीं सकते, तो रूम यहाँ वहाँ सब गिरा हुआ है, थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो
पुचकू को खिला दिया है, अभी सो तो नहीं रहा है, खेल रहा है। मैं जल्दी जल्दी बाल को सुलझा लेती हूँ, मतलब इतना उलझा हुआ है ना, जल्दी भी नहीं हो पा रहा है। बाल और क्या बनाना है इसे, बस एक जूड़ा बना लेती हूँ। देखिए बहुत सारे बाल गिर गया। तो दोस्तों रूम को थोड़ा बहुत साफ कर लिया जितना हुआ, पूरा तो साफ नहीं कर सका, जितना हुआ साफ कर लिया अभी। और अब थोड़ा बाहर में काम में थोड़ा जाना पड़ेगा। और अभी बेबी तो खा रहा है, सोने ही वाला है, सोता ही नहीं है। अभी साफ कर रहे थे तो इसको सुला रहे थे, ये सोया भी नहीं 5 मिनट के अंदर, फिर उठ गया। तो चलो फिर क्या काम है देखते हैं। तो दोस्तों अभी रात का 10 बज रहा है, हम लोगों ने खाना खा लिया और ये भी खाना खा लिया और अभी गोदी में सो रहा है। और फिर बेड भी हमारा तैयार है, बेड पे सो जाएंगे। और आज का हमारा वीडियो छोटा सा था, ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना, और क्या क्या वीडियो पे देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आगे क्या करना है वो तो आप लोगों को पता है, या फिर बोलना पड़ेगा, चलो बोल ही लेती हूँ। चैनल का भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और अपना ख्याल रखना। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जोहार, गुड नाइट।